हेलो हाय नमस्कार पलाग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो ये व्लॉग है 14 फरवरी का। मॉर्निंग के 5 बज रहे थे जब हम लोग घर से निकले। उस दिन हमने जो अपना वैलेंटाइन डे था वो स्पेंड करा वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। साइड बाय अर्जुन ये मुझे गिफ्ट मिला था, बहुत अच्छा था। इससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। साथ में जा रहे थे मम्मी पापा और भाई, हम सब लोग जा रहे थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, लड्डू गोपाल जी से मिलने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो प्लान ये था कि हम लोग अपनी गाड़ी से जा रहे थे, मतलब जो हमारी न्यू गाड़ी है फ्रॉन्स, हम लोग उससे जा रहे थे क्योंकि हम लोग बांके बिहारी जी को जो मंदिर है वो इस गाड़ी से नहीं गए थे। हमने कहा चलो इस गाड़ी को भी उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। बांके बिहारी जी का टचवुड बहुत आशीर्वाद है। और मम्मी पापा और भाई भी साथ में, हम एक ही गाड़ी में, क्योंकि हम 5 लोग थे तो 5 सीटर ही गाड़ी होती है, तो हम लोग सब एक ही गाड़ी से गए। हमने कहा अलग अलग गाड़ी से क्या जाना, साथ में बहुत अच्छा लगता है। सुबह हम लोग जल्दी निकल गए थे 5 बजे क्योंकि वहाँ पर थोड़ा भीड़ हो जाती है, तो हम लोग थोड़ा सा टाइमली निकलते हैं। अंधेरा हो रहा था उस टाइम जब हम घर से निकले, बट रास्ते में जाते जाते हम लोगों को उजाला हो गया था। तो फर्स्ट रोल हम लोग क्रॉस कर चुके थे, उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने ब्रेक लिया, वॉशरूम गए। मॉर्निंग का टाइम था, उस टाइम पे ठंड हो रही थी, धूप तो भी निकली ही नहीं थी। तो उसके बाद हम लोगों ना घर से ही चाय बना के लेके आए थे। बाहर की चाय ना हम लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद, हम लोग पहाड़ी है ना, हम लोगों को गुड़ वाली चाय पसंद होती है सर्दी में, तो हम घर से ही चाय बना के लेके आए थे। ये मिस्टर अर्जुन जी जिनको नौटंकी रहती है 24 घंटा, मजाक का ही मूड रहता है इनका। पर चलो चाय पीने के बाद हम लोग चल दिए और हम लोग पहुँच गए थे वृंदावन। ये गेट देख के तो यार हर कोई पहचान रहा था कि हम लोग वृंदावन पहुंच चुके हैं। उसके बाद प्रेम मंदिर के सामने जो बहुत बड़ी पार्किंग है, हम लोग वहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं। अंदर गाड़ी ले जा सकते हैं पर थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है, ट्रैफिक हो जाता है, तो इसलिए हम यहीं पर गाड़ी पार्क कर लेते हैं। 100 रुपीज़ लेते हैं ये, पहले तो संडे के लेते थे पर इस बार हम लोग संडे पर तो नहीं गए थे, वीक में का जो डे होता उसमें गए थे, तब भी इन्होंने 100 ही लिया। हमने कहा चलो कोई नहीं। उसके बाद हम लोग चल दिए वृंदावन के लिए, मतलब बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए, जहाँ के लिए ये शेयरिंग रिक्शे होते हैं, ये हमने करे। 20 रुपीज़ पर हेड लेते हैं, 100 रुपीज़ हम 5 लोग थे तो हम 100 रुपये देते हैं इनको, और ये हमको अंदर गली गली से लेके जाते हैं। उसके बाद हमने लिए ब्रिजवासी से पेड़े। मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग रियली में बहुत टेस्टी पेड़े लेना चाहते हैं मथुरा वृंदावन से, तो आप चले जाइए ब्रिजवासी पे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे स्वीट्स के, मिठाई के, और अगर आप लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं करा तो यहाँ पे आपको स्नैक्स भी मिल जाएगा। आई थिंक समोसे पेटीज वगैरह थी यहाँ पर, हाँ। और आप ये देखिए सबसे स्पेशल और सबसे सुंदर, कितने सारे ऑप्शन है, ये लड्डू गोपाल जी की जो थाली होती है वो उन्होंने सजा रखी थी, बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत ऑप्शन थे। यहाँ से हमने लिया मिठाई, मतलब कि पेड़े, और 1/2 kg लिया अर्जुन ने घी, गाय का घी जो होता है, अर्जुन को घी बहुत पसंद है तो उसको गाय का, मुझे गाय का घी इतना खास अच्छा नहीं लगता बट उसको बहुत पसंद था, तो उसने यहाँ से लिया कि चलो टेस्ट करते हैं, अच्छा टेस्ट था, बाद में हमने टेस्ट करा था। उसके बाद हम चल दिए मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए। बट अगर आप लोगों को पेड़े चाहिए तो प्लीज़ यहाँ से आप आके ले जाइए, बहुत अच्छे पेड़े होते हैं, फ्रेश एकदम। उसके बाद यहाँ पर भीड़ तो हमेशा ही रहती है, जैसे हम लोग आते हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वैसे ही सभी लोग उनके इतने भक्त हैं, इतनी इतनी अपार, इतनी परम शक्ति है ना उनके अंदर, मैं आपको क्या बताऊं। और मंदिर को जाते जाते हुए ये दुकानें, इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, देख के मन करता है सब ले लूं। इतने फ्रेश फ्लावर यार यहाँ पे। अब आप आगे सुनिए लोगों की आवाज़ें, बांके बिहारी जी के लिए लोगों का प्यार देखो आप। तो अच्छे से दर्शन हो गए थे बांके बिहारी जी के, वहाँ पर तो आप फोटोज़ तो आप ले ही नहीं सकते, इतना क्राउड होता है, बट चलो हम लोग दर्शन करके आ गए, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग नहीं आए अभी तक वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए तो आइए, बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और यहाँ से बाहर से हम लोग ना हमेशा लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़े, उनके श्रृंगार की जो भी सामान होता है ना सब यहाँ से ले जा लेते हैं। उसके बाद हमने वापस वहाँ से रिक्शा करा जहाँ पर हमारी गाड़ी की पार्किंग थी वहाँ के लिए, सेम वही 100 रुपीज़ दिए। और ये प्रेम मंदिर के आगे ना इतनी सुंदर फूल
लगा रखे थे ना, मन तो करा ना बस बैठ के इसको देखते रहूं। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। हम लोगों ने यहाँ पे फोटोज़ क्लिक करी और उसके बाद जो हम आए ना, वॉकिंग जो होता है वो प्रेम मंदिर के वहीं से होता है, क्योंकि रिक्शे वालों को उधर अलाउड अब नहीं है, बंद कर दिया क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो जाता है। तो बस हमने यहाँ से फ़ोटोज़ खिंचाई और उसके बाद हम चल दिए अपनी पार्किंग की तरफ। पर रास्ते में आंटी मिल गई, वो ज़िद करने लगे कि तिलक लगा लो, तिलक लगा लो। हमें लगाना था तिलक, बट वो पीछे वहाँ पर पहले मिले ही नहीं, पहले मतलब हम लोगों ने लगाए नहीं, बाद में हमको मिले नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा लगा लो लगा लो, फिर उन्होंने सबको पकड़ के तिलक लगा दिया। पहले मम्मी के गाल पे लगाया, उसके बाद हम सब लोगों के लगाए, पापा ने, मैंने और अर्जुन ने। मम्मी ने लगा लिया था, भाई ने भी लगा लिया था, बट वो आंटी देखो अभी मम्मी के ना गाल पे ऐसे टेढ़ा लग गया करके उसको साफ करते हैं, और अपनी जो उनकी जो साड़ी होती है उसी से वो उनका फेस को पोंछ। ये देखो पहले हाथ से आप साड़ी से, तो मम्मी बहुत हंस रही है कि यार आप क्या कर रहे हो। कहते नहीं ये टेढ़ा लग गया, जो तिलक लगाना है हमने राधे राधे लिखना है, लगाना है वो एकदम साफ से लगाना है। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट हम लोग करके नहीं आए थे, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा। छोले भटूरे हम लोग हमेशा खाते हैं, अगर आप लोगों को भी मथुरा में अच्छे छोले भटूरे खाने हैं, साफ डिनर बोल रही हूँ, मतलब डिनर भी कर सकते हो, ब्रेकफास्ट लंच सब मिलता है, आप वहाँ पे खा सकते हैं। छोले भटूरे, डोसा, बहुत ऑप्शन होता है। मैंने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी, बस ये कुछ पिक्चर्स हम लोगों ने वहाँ पे क्लिक करी थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। राधे राधे।